और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक जो रेल हादसे हो रहे थे, औरैया में जो रेल हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर में जो रेल हादसा हुआ, उसके बाद अब यह खबर है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल, अशोक मित्तल जो हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप भी दिया, ये भी जानकारी मिल रही है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल ने इस्तीफा दे दिया। सुबह ये खबर आई थी कि औरैया में रात के वक्त एक हादसा हुआ है जिसमें 74 लोग जख्मी हुए हैं। चार दिन में दो रेल हादसे हुए थे, जिसके बाद सवाल उठ रहे थे। यूपी के खतौली में हादसा हुआ जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, औरैया में भी रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद अब ये खबर है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का इस्तीफा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि एक के बाद एक हादसे हो रहे थे। लापरवाही सामने आई थी, जब एबीपी न्यूज ने जांच पड़ताल की थी तब ये पता लगा था कि मरम्मत का काम चल रहा था और लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ था। अगर सतर्कता बरती जाती तो हादसा शायद टल भी सकता था। इसके बाद वो अभी, उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि आज एक और खबर आ गई कि रात के वक्त एक और हादसा हुआ औरैया में। तो अब ये खबर है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ए के मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है। चार दिन में दो हादसे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, इस्तीफा सौंपा जा चुका है रेल मंत्री को? देखिए, इस्तीफा सौंपा जा चुका है और जो हमारे सूत्र हैं उनके अनुसार वो पीएमओ को भी इस बात की जानकारी दी गई है और अभी इस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जो इस्तीफा है वो दे दिया है सीआरबी ने। साथ ही बता दें कि न सिर्फ सीआरबी के ऊपर बल्कि रेल मंत्री के ऊपर भी भारी दबाव है। ये लगातार बात सामने आ रही है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां से लगातार संपर्क बनाए हुए था प्रधानमंत्री कार्यालय, और प्रधानमंत्री ने भी रेल मंत्री सुरेश प्रभु से बातचीत की है इस दौरान, और रेल मंत्री के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। इस दौरान सीआरबी का इस्तीफा सामने आया है, इससे जाहिर है कि पूरा का पूरा जो रेल मंत्रालय है वो इस समय भारी प्रेशर में है। रविकांत, जो इस्तीफा दिया गया है उसमें क्या हादसों की जिम्मेदारी ली गई है, क्या कुछ लिखा गया है, कोई जानकारी किस तरह से इस्तीफा सौंपा गया है, कोई चिट्ठी लिखी गई है? देखिए, ये पूरी चिट्ठी तो सामने नहीं आई है, जिम्मेदारी ली गई है, इस बात का जिक्र है या नहीं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो रेल हादसे हुए हैं उसी के संदर्भ में ये इस्तीफा हुआ है। तो रविकांत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहले उत्कल एक्सप्रेस जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, शनिवार को 22 लोगों की मौत हुई थी जब 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बड़ा हादसा लापरवाही की वजह से हुआ था, ये साफ तौर पर सामने आया था कि मरम्मत का काम चल रहा था, उसके बावजूद ट्रेन वहां से गुजरी। और अब कैफियत एक्सप्रेस, 74 लोग जख्मी, चार दिन में दो बड़े रेल हादसे, और अब ये खबर है कि ए के मित्तल जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है जिम्मेदारी लेते हुए। बड़ी खबर इस वक्त की, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अशोक मित्तल का इस्तीफा सौंपा जा चुका है, इस्तीफा रेल मंत्री को। यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।